नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम, लगातार किसानों की समस्याएं नहीं ले रही कम होने का नाम। जहां कड़ी मेहनत मशक्कत कर उसने फसल को तैयार तो कर लिया, परंतु व्यापारियों द्वारा फसल को ना खरीदे जाने से उसकी फसल बर्बाद हो रही है। तो वही उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं नजर आ रहा है, जिससे कि सब्जी तरबूज की हजारों बीघा तैयार फसल पूरी तरह बेकार हो रही है, जिसका मुख्य कारण कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण वह अपनी फसल को कहीं बाहर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। किसानों की परेशानी को जानने के लिए के न्यूज की टीम ने किया गाँव का रुख। संवाददाता मोहम्मद सुल्तान, बिल्हौर कानपुर नगर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामदुलारे कटियार। तरबूज की फसल जैसे कि आपकी तैयार है जी, उसको लेकर अभी लॉकडाउन भी चल रहा है जी, आप किसानों पर क्या प्रभाव फर्क पड़ रहा है? किसानों पर तो प्रभाव ये पड़ रहा है कि प्रति बीघा जो है 7-8 हज़ार रुपया लागत आ रही है, और जो है पानी लगा रहे, डीजल लगा रहे, और परेशान भिड़े दफोनी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम हमारा तरबूज बढ़िया बिकेगा जिसका पिछले साल बिका। और लॉकडाउन की वजह से हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। गवर्नमेंट जो है इसको खरीदे तब कल्याण हो सकता है, बाकी तो कोई जाने आना तो है नहीं।